के विनर और रैपर एमसी स्टैन इन दोनों खूब चर्चा में है। एमसी स्टैन सबके दिलों पर राज करते हैं, फैंस एमसी के लिए हर हद पार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन के शोज अब भारत के हर कोने कोने में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एक तरफ वो अलग अलग शहरों में लाइव कंसर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब्दुल रॉजिक संग उनकी आपसी मनमुटाव की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि बिग बॉस 16 में अब्दुल रॉजिक और एमसी स्टैन के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब्दू की टीम ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें एमसी स्टैन से मनमुटाव को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि रैपर की टीम ने अब्दू की बेइज्जती की और उनके प्रोग्राम में भी उन्हें जाने नहीं दिया गया। वहीं इस घटना के बाद एमसी स्टैन का एक और वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद उनके फैंस को बुरा लग सकता है। दरअसल वो वीडियो में अपना आपा खोते दिख रहे हैं। वो भीड़ में किसी को मारने भी दौड़ते हैं लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। रैपर का ये बर्ताव देख उनके फैंस भी शॉक्ड है। पहले आप भी ये वीडियो देखिए। हाँ, आपने वीडियो में साफ दिख रहा है कि एमसी स्टैन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और भीड़ में किसी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनके आसपास मौजूद लोग या गार्ड्स उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, तब जाकर वो शांत होते हैं, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। रैपर का ये बिहेवियर देखने के बाद सोशल मीडिया पर पब्लिक शॉक्ड है। वहीं रैपर के फैंस का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर निकल रहा है। एमसी स्टैन के इस वीडियो पर कमेंट कर यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस पे कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, जीत हजम नहीं हो रही है। वहीं एक ने लिखा, ये सब देखना पड़ रहा है। वहीं एक लिखता है, अब बॉडीगार्ड के बिना कहीं निकल भी नहीं सकता है ये। ऐसे बहुत से कमेंट है एमसी स्टैन के इस वीडियो पर आ रहे हैं। अब तक ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है, बहुत लोगों ने भी देखा है। ऐसा लग रहा है कि एमसी स्टैन का ये नया वीडियो उनके हालिया कॉन्सर्ट का है जो कि 18 मार्च को नागपुर में हुआ था। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। वहीं बता दें कि 17 मार्च को एमसी स्टैन इंदौर में अपना कॉन्सर्ट करने वाले थे, लेकिन इसके शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही इसे कैंसिल कर दिया गया था। इसकी वजह कर्णी सेना के सदस्य थे जिन्होंने वेन्यू में जाकर हंगामा काटा था और धमकी भी दी थी। उन्हें एमसी स्टैन के गानों में आपत्तिजनक शब्दों और गालियों के इस्तेमाल से आपत्ति थी, इसलिए उन्होंने शो नहीं होने दिया था। वहीं एमसी स्टैन का ये नया वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।